up. Got me all stuck, chasing that rush. Had to give up. Assalamu alaikum, hope so you are doing good. First of all, thank you so much for your love and your support, your views and your likes for my last video. Baki, come to the point. इस वीडियो के बाद जो मुझे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में भी और जो मुझे इंस्टाग्राम पे भी देखने को मिले वो ये थे कि आप इन नंबर्स के साथ किस फील्ड में जाएंगे आगे. उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन था वो ये था कि फिजिक्स में न्यूमेरिकल ज़्यादा थे या थ्योरेटिकल ज़्यादा था, केमिस्ट्री में था ऑर्गेनिक ज़्यादा थी या इनऑर्गेनिक ज़्यादा थी, बायो में फर्स्ट ईयर में से ज़्यादा आया हुआ था या फिर सेकंड ईयर में से ज़्यादा आया हुआ था, इंग्लिश में स्पेलिंग और वोकैबुलरी के अलावा किस चीज़ का यूज़ किया गया था. ठीक हो गया, ये पांच क्वेश्चन थे जो मेन मैंने आप लोगों को बताने थे. उसके अलावा जो जो आज सुबह वाला क्वेश्चन था उसमें ये था कि हाउ कैन यू से डेट कि कोई भी पेपर जो कोई भी वो क्वेश्चन जो है वो आउट ऑफ सिलेबस नहीं है. ठीक है, ये सिक्स क्वेश्चन था. और उसके अलावा एक और क्वेश्चन, एक और मतलब आज सुबह में कमेंट आया हुआ था कि मेरा भी सेम सेंटर है, इलेक्ट्रिसिटी और इंटरनेट कनेक्शन का मसला ना हो. ठीक है, जो ये वाला क्वेश्चन है ना इंटरनेट कनेक्शन वाला, जब मैंने पेपर दिया था तब ऐसा कोई मसला नहीं हुआ था. वहाँ पर जब आप जाओ ना तो इन्विजिलेटर आपको यही कहते हैं कि बेटा हमारे यहाँ पर ऐसा कोई मसला नहीं है, इंटरनेट कनेक्शन नहीं है. और अगर वो आपको ये कह देना कि इंटरनेट कनेक्शन हो भी जाए तो आप जो MCQ लगाओगे वो ठीक होगा. अब मुझे ये नहीं पता कि वो MCQ ठीक होगा या गलत होगा, क्योंकि मेरी दफ़ा में ऐसा कोई मसला नहीं हुआ था. उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो ये था कि पेपर में आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन थे या नहीं थे. पेपर में क्वेश्चन जो थे वो आउट ऑफ सिलेबस नहीं थे. हाँ, PTB के साथ फेडरल बुक में से ज़रूर, और फेडरल में से आए हुए थे केमिस्ट्री के MCQs. ठीक हो गया. और मैं ये बात इस तरह कह सकती हूँ कि कोई भी क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस से नहीं था, वो इसलिए क्योंकि जो इंसान जिस इंसान ने तैयारी की हो ना, बेशक हम लोगों ने वन मंथ तैयारी की, मैंने कह ली नहीं कि हर MDCAT वाले बच्चे ने बेशक एक महीना तैयारी की है, लेकिन पढ़ा तो हम सब ने ही है ना. ठीक है, तो हम सबको पता होगा कि यार ये जो क्वेश्चन है ना ये इस चैप्टर में से आया हुआ है. ठीक है, जब आप वो क्वेश्चन रीड आउट कर रहे हो तो ना, स्टेटमेंट रीड आउट कर रहे हो तो आपको पता चल जाता है कि यार ये क्वेश्चन ना इस टॉपिक में या इस चैप्टर में से आया हुआ है. ठीक हो गया, इतना आप लोगों को पता चल जाता है. या फिर अगर आप बिल्कुल ही आउट ऑफ माइंड हो जाओ ना कि यार ये क्वेश्चन, फिर वो क्वेश्चन होता है फेडरल बुक का. ठीक है, क्योंकि उसकी वर्डिंग ही चेंज होती है, आपको वो बिल्कुल ही या तो उन्होंने बहुत ज़्यादा घुमाया होता है क्वेश्चन. ठीक है, या फिर उन्होंने जो है ना मतलब बिल्कुल हमारे कोर्स में जो लाइंस PTV की लाइंस है ना उनसे थोड़ा सा चेंज लिखा होता है उन्होंने. ठीक हो गया. उसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है, केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक ज़्यादा थी या ऑर्गेनिक ज़्यादा थी. देखो यार, तीन घंटे का पेपर, अब हम लोग वहाँ पर बैठ के ये MCQ गिने इनऑर्गेनिक कितने और ऑर्गेनिक कितने, लेकिन इतना मैं जरूर कह सकती हूँ जो उसमें फर्स्ट चैप्टर था पीरियोडिक टेबल वाला, इसमें से क्वेश्चन ज़्यादा आए हुए थे. और जो लास्ट में चैप्टर थे ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले, जो लास्ट का चैप्टर था ना मैक्रोमोलिक्यूल्स में, उसमें से कोई MCQ नहीं आया हुआ था मेरी दफ़ा में, कोई भी एक सिंगल MCQ भी नहीं था उसमें से. ठीक हो गया. बाकी जो उसके अलावा जो ऑर्गेनिक वाला चैप्टर था ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, उसमें से सिर्फ ये आया हुआ था जिसे मैंने लास्ट टाइम वाले में बताया कि इस और इसको मिक्स करो तो क्या रिएक्शन बनता है. ठीक हो गया, इस तरह से MCQ आया हुआ था. या फिर उन्होंने एक वो चेन स्ट्रेट चेन लिखी हुई थी, CH3 CH2 CH2, और नीचे ऑप्शन दिए हुए थे कि बताओ ये क्या है, N-butane है, pentane है, heptane है, व्हाट इज दिस. ठीक हो गया, इस तरह का MCQ आया हुआ था ऑर्गेनिक में से. और इनऑर्गेनिक में से सारे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थे, तब एक लेंथीनाइड्स वाला क्वेश्चन था और एक उसमें, और उसमें जो ऑप्शन थी ना वो दो जो ऑप्शन थी ना वो बिल्कुल करेक्ट थी. ठीक है, लेकिन उसमें आपको सिलेक्ट वो करना था जो आपको करीब तरीन लग रहा था. ठीक हो गया, आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है इसकी. फिजिक्स में थोरेटिकल ज़्यादा था या फिर न्यूमेरिकल ज़्यादा थे. देखो फिजिक्स में ना आप दो MCQ थोरेटिकल सॉल्व कर रहे हो ना, मतलब आपने स्टेटमेंट पढ़ के आंसर लगा दिए, आगे तीन MCQ आपके न्यूमेरिकल्स के आ जाएंगे. तीन आपने वो सॉल्व किए, दोबारा एक आपका थोरेटिकल आ जाएगा, फिर आपका एक न्यूमेरिकल, फिर थोरेटिकल, फिर एक न्यूमेरिकल, फिर चार आप न्यूमेरिकल सॉल्व करो, फिर आगे दो थोरेटिकल आ जाएंगे. इस तरह के MCQs आए थे. मतलब वहाँ पे बैठ के आप मतलब पेपर देने जाते हो, आप पेपर से पहले इतनी ज़्यादा टेंशन होती है, जब पेपर देने बैठते हो ना तो मेरे ख्याल से कि टेंशन कम हो जाती है 10%, सिर्फ 10%, मेरे पर्सनल तजर्बे से 10% टेंशन कम होती है. और उसके बाद ना आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि यार आप देख बैठ के देखो कितने न्यूमेरिकल्स हैं, कितने थ्योरेटिकल. लेकिन हाँ, इतना ज़रूर मैं कह सकती हूँ कि अगर आप चार थ्योरेटिकल सॉल्व करें ना तो आगे लाजमी दो या एक आपको न्यूमेरिकल मस्ट आए. ठीक है, ये कोई नहीं कह सकता कि सारा ही थ्योरेटिकल पेपर था या सारा ही न्यूमेरिकल पेपर था. ठीक हो गया, इस तरह का होता है. उसके बाद रह गया बायो. बायो में आपको आए हुए थे रिप्रोडक्शन, जो मैंने पेपर दिया रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में से बहुत ज़्यादा MCQ आए हुए थे मेरे रिप्रोडक्टिव वाले सिस्टम में से. ठीक हो गया. उसके बाद जो है बायो में और फर्स्ट ईयर वाले में से मुझे बहुत कम आए थे, सिर्फ वो जो एनिमिलिया किंगडम वाला चैप्टर था फर्स्ट ईयर का, सिर्फ उसमें से मुझे दो MCQ आए हुए थे बस, उसके अलावा और कोई MCQ नहीं आए हुए थे. बाकी सेकेंड ईयर की बुक में से रिपीट हुए हुए थे.
उसके बाद जो है, हाँ एक और क्वेश्चन था कि आर यू आर रिपीटेड, नहीं मैं रिपीटेड नहीं हूँ, मैंने फर्स्ट टाइम में पेपर दिया, ये मैं कोई दोबारा रिपीट नहीं करी, ठीक है। और अब मैं दोबारा आगे मेरे रिपीट करने का कोई मूड भी नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं करना, मुझे बस ठीक है जितने मार्क्स आ गए ओके अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा उसके बाद जो था ना थर्ड लास्ट आ गया इंग्लिश का, इंग्लिश में वोकैबुलरी और स्पेलिंग के अलावा क्या यूज़ हुआ है, इस क्या मतलब और कौन से सेंटेंसेस थे। वोकैबुलरी इतनी ज़्यादा नहीं है, टेंशन नहीं लो, जो हम लोगों ने 200-300 हम लोगों ने जो वोकैबुलरी याद की है ना, उसमें से आपको सिर्फ कोई से दो सेंटेंसेस आने हैं, ठीक है। दो सेंटेंसेस वो इस तरह से आने हैं, उन्होंने आपको एक स्टेटमेंट दी होगी, जब आप उस स्टेटमेंट को पढ़ते रहते हो ना, आपको नीचे से जो चार मीनिंग चार ऑप्शन होते हैं ना, वो आपको समझ आने लग जाते हैं कि यार इसमें ना ये ऑप्शन आएगा, ठीक है। फिर वही बात, इन्होंने पीएमसी वालों ने घुमाना तो है, इन्होंने वहाँ पे आपको दो ऑप्शंस दिए होते हैं जो सिमिलर होते हैं, सिमिलर आपको जवाब वही दोनों शो करते हैं, लेकिन आपको ना दोनों वर्ड्स के ना मीनिंग देखने आपकी स्टेटमेंट के हिसाब से, अगर आपकी स्टेटमेंट के हिसाब से आपका मीनिंग करेक्ट लग रहा है तो आपको ऑप्शन बी लगानी है, या ए जो भी आपका बन रहा है आपको वो लगानी है। आपको ये नहीं देखना कि यार दोनों तो एक ही मतलब दे रहे हैं, चलो यार ठीक है कोई भी लगा, ऐसा नहीं करना आपको, जो आपको लगे ना कि यार एक्यूरेट मीनिंग है एक्यूरेट, वो आप वहाँ लगाओ, आपका सही हो जाएगा एमसी के, ठीक है। बाकी ऑप्शन छोड़ दो, बेशक वो उससे मिलता जुलता है, लेकिन वो बात वाजिया नहीं कर रहा जो आपको स्टेटमेंट में चाहिए होगी, ठीक हो गया। उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग का मैं लास्ट टाइम बता चुकी थी, बाकी और उसके अलावा हाँ जो लास्ट क्वेश्चन था वो यही कि आप इन मार्क्स के साथ आप क्या करोगी। अच्छा पहली बात तो ये कि यार देखो, बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट, जितने मेडिकल स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने अपनी आगे मेडिकल फील्ड को कंटिन्यू करना होता है, उनकी दिली ख्वाहिश होती है कि ना हम वाइट कोट पहने और हमारे नाम के साथ डॉक्टर लगे, ठीक है। बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट ये मेरी अपनी भी ख्वाहिश है, यार बेशक BDS पे नहीं हुआ कोई इशू नहीं, कोई मसला नहीं है, लेकिन मेरे नाम के आगे डॉक्टर लगना चाहिए, मुझे वाइट कोट पहनना है, ये दो जो चीज़ें ना ये मेडिकल स्टूडेंट की ना एक जान होती है, यार ये दो लाजमी चीज़ें होनी चाहिए फिर कोई भी फील्ड हो। और देखो मेरी बात सुनो, डॉक्टर कोई भी हो, ठीक है, जानवरों का हो या इंसानों का हो, डेंटिस्ट हो, कोई भी डॉक्टर ना उसकी इम्पोर्टेंस है, ठीक है। आप DPT करो, आप डी फार्मेसी करो, आप यहाँ पे जो फार्मेसीज होती हैं आप वहाँ पे भी लग जाओ ना, आप उनकी भी कदर होती है कि यार इसने कुछ ना कुछ पढ़ा हुआ है तो अगला मेडिसिन बेच रहा है ना। अच्छा अब आप जो 85% मार्क्स गेन करते हैं FSC में, 85% वो तीन फील्ड्स रख सकते हैं, एक तो आप रख सकते हो डी फार्मेसी, ठीक है, एक आप रख सकते हो बायोकेमिस्ट्री, दूसरी है बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। ये तीन मेन फील्ड्स हैं जो आप 85% स्कोर करने के बाद रख सकते हो। अगर आपके 85% है, आपको केमिस्ट्री में इंटरेस्ट है, आप डी फार्मेसी को हंस के कबूल कर लो। हमें जैसे बच्चे को बिल्कुल भी केमिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं है तो वो डी फार्मेसी का रिस्क ही ना ले, इंसान को अपना पता होता है कि यार वो कर सकते कि नहीं। मुझे पता है कि मैंने 2 साल केमिस्ट्री किस तरह पढ़ी है, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में, उससे पहले 9th-10th में, तो मैं अभी आगे अफोर्ड नहीं कर सकती कि मैं आगे आने वाले 4 साल केमिस्ट्री ही पढ़ती रहूँ, मैं नहीं कर सकती, ठीक है। मैंने अभी डी फार्मेसी के बारे में कुछ भी नहीं सोचा हुआ। बायोकेमिस्ट्री में भी वही केमिस्ट्री से रिलेटेड है, मैं ये नहीं कर सकती। बायोटेक्नोलॉजी के बारे में सोचा जा सकता है, क्योंकि वो जो है मतलब उसमें केमिस्ट्री कम आएगी, आएगी जरूर, ये नहीं कि केमिस्ट्री मुझे बख्श देगी, केमिस्ट्री ने बख्शना मुझे कहीं नहीं है, ठीक है। लेकिन एज कम्पेयर टू डी फार्मेसी एंड एज कम्पेयर टू बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी में कम होगी मेरे पास, ठीक है। एक फील्ड मेरे पास ये है, दूसरी फील्ड मेरे पास है वेटनरी की, ठीक है, वो करवा रही है यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड साइंसेज UVS वाले, उनकी जो है ना उनका क्राइटेरिया भी इतना ही है कि आपके 50% जो है आपके उसमें मार्क्स हों उसमें FSC में, ठीक है, और आप जो है वेटनरी में। और जो वेटनरी यूनिवर्सिटी है ना, ये सिर्फ वेटनरी नहीं करवाती है, इनके पास और भी बहुत ज़्यादा कोर्सेज हैं। आप जब इनकी वेबसाइट विजिट करते हो ना, जब आप वहाँ पे लिखते हो, या आप डायरेक्ट अगर गूगल करो ना कि फील्ड्स एक्सेप्ट MBBS, ठीक है, या और BDS, आपके पास वो चार पाँच शो करता है आपके पास कि इतनी इतनी फील्ड्स हैं आपके पास, ठीक है। और उनमें से जब आप किसी एक को सेलेक्ट करो ना, तो वो आगे से डिवाइड, जैसे डी फार्मेसी जो है ना वो सिर्फ डी फार्मेसी नहीं है, मतलब आप सिर्फ वही नहीं कर सकते हो, आप डी फार्मेसी करने के बाद ना आप उसमें PhD भी कर सकते हो, ठीक है। आप उसके बाद उसमें जो है आप ये एज ए जो फार्मेसीज में लगते हैं आप इनमें भी जा सकते हो, आप एज BS ऑनर्स के साथ भी फार्मेसी डी फार्मेसी को आप कंटिन्यू कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो यार। मेडिकल की फील्ड छोटी नहीं है, 44 या इससे भी ज़्यादा जो है ना मेडिकल की फील्ड्स हैं हमारे पास, सिर्फ MBBS और BDS नहीं है।
ठीक है, तो बाकी और इतनी ज़्यादा फील्ड्स जो है ना, इतनी ज़्यादा फील्ड्स के बाद आपके पास ऑप्शन होती है कि आप सेलेक्ट कर सको कि आपको कौन सी फील्ड रखनी है और कौन सी नहीं रखनी है आपको। तो अगर मार्क्स कम आ भी जाते हैं तो इतना दुखी नहीं हो कि यार ये क्या हो गया, ऐसे कैसे हो गया, मैं तो ये कर ही नहीं सकता, या आगे मैं क्या करूँगा। यार आगे बहुत फील्ड्स हैं, देखो, एक्सप्लोर करो यार, गूगल करो, यूट्यूब करो, इतनी चीज़ें हैं यार, इन सबको विज़िट करो कि यार क्या क्या यूनिवर्सिटीज़ हैं, कौन कौन सा इनका क्राइटेरिया क्या है। अच्छा, उसके अलावा एक फील्ड है DPT, डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट, ठीक है। अभी पता नहीं डॉक्टर का लोगो हटाने या नहीं हटाना है, डॉक्टर तो होना यार, मेडिकल फील्ड में तो होना, आप इंसान की हड्डियाँ जोड़ना या उसको ठीक करना कोई छोटा काम नहीं है, ठीक हो गया। अच्छा, उसके अलावा एक और फील्ड है न्यूट्रिशनिस्ट की। मेरा 99% जो है ना, मेरा गोल है कि मैं न्यूट्रिशनिस्ट एंड इसमें ना डाइट में, इसमें मैं अपना एडमिशन करवा लूँ, क्योंकि एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनको MD कैट नहीं रिक्वायर्ड है, ठीक है। सेकंड, जो DPT है ना, वो कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो MD कैट के साथ एडमिशन देती हैं, लेकिन जो शालीमार हॉस्पिटल वाले हैं ना, वो DPT करवा रहे हैं विदाउट MD कैट, ठीक है। लेकिन 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 उनकी एक शर्त है कि आपको 90% नंबर चाहिए आपको FSC में, ठीक है। कहीं ना कहीं से तो उन्होंने कसर निकालनी है, ठीक है। DPT जो है वो लोग करवा रहे हैं, हालांकि वो डेंटल यूनिवर्सिटी कॉलेज है, लेकिन वो डेंटिस्टरी नहीं करवाती, ठीक है। उसके अलावा जो है, जो न्यूट्रिशनिस्ट वाला है, उसका मेरा मूड है कि मैं न्यूट्रिशनिस्ट में चली जाऊँ, ठीक है। वो आसान है, मतलब आसान नहीं, सॉरी, मतलब वो फील्ड जो है ना, मैं चूज़ कर सकती हूँ। एक तो मैं मार्क्स पे भी मेरा एडमिशन हो जाएगा, इतना मुझे यकीन है खुद पे कि FS में मेरे इतने मार्क्स आ जाएंगे कि मेरा अच्छा एडमिशन हो जाए किसी यूनिवर्सिटी में। उसके बाद जो लास्ट है, लास्ट बात जो रहती है वो ये कि साइकाइट्रिस्ट की, ठीक है। आप साइकाइट्रिस्ट जो है बन सकते हो आप, अगर आपका MD कैट में नहीं होता, आप साइकाइट्रिस्ट पे चले जाओ, ठीक है। वो भी एक मेडिकल की फील्ड, वो भी मेडिकल की फील्ड है, इसमें तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो आप वो रख लो, साइकोलॉजी रख लो, आप जो है ना ये कर लो। अच्छा, उसके बाद ना एक फील्ड है कार्डिक परफ्यूजन, ये ना मतलब नाम से पता चल रहा है कि हर्ट से रिलेटेड है, लेकिन ये लोग करवा रहे हैं नम्स से, मतलब जिसने नम्स का टेस्ट दिया होगा ना, वो कार्डिक परफ्यूजन में एडमिशन के लिए ट्राई कर सकते हैं। हम MD कैट वाले नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोगों ने सिंपल किया, हम लोगों ने नम्स नहीं किया। अच्छा, उसके बाद एक आती है MLT। MLT जो है वो लैब टेक्नोलॉजिस्ट है, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट। आप इसमें भी ट्राई कर सकते हो, इसका स्कोप भी छोटा नहीं है, ठीक है। जो लैब में एज अ लैब असिस्टेंट जो है ना, आप बहुत अच्छा काम कर सकते हो किसी हॉस्पिटल में, आपको बहुत इजीली जॉब मिल सकती है अगर आपने MLT किया हो, ठीक है। पाकिस्तान में उसका स्कोप भी है। उसके बाद एक आती है ऑप्टोमेट्री। ऑप्टोमेट्री जो है ना, ये वैसे तो डॉक्टर नहीं है, मतलब आप डॉक्टर नहीं कह सकते हो, लेकिन ये भी रिलेटेड टू मेडिकल फील्ड है। इसमें आप आइज़ के बारे में और विजन के बारे में पढ़ते हो सारा कुछ, ठीक है। अच्छा, जो DPT वाले हैं ना, वो लोग आपको करवा रहे हैं 60% आपके पास हो अगर उसका MD कैट का, सॉरी 60% अगर आपके पास हो FSC प्री मेडिकल का, और आपके पास जो है वो बाकी 40% जो है ना, वो लोग एक एंट्री टेस्ट, जो यूनिवर्सिटीज़ MD कैट नहीं लेती हैं, वो अपना एक एंट्री टेस्ट हेल करवाती हैं, ठीक है। उसमें वो क्या करती हैं कि वो आप लोगों से टेस्ट लेती हैं, अगर आप उसमें 40% मार्क्स स्कोर कर लेते हो, आपको DPT में एडमिशन मिल जाता है, ठीक है। बस शर्त ये है कि आपको जो है ना, जो अगर कहें ना कि यूनिवर्सिटीज हम कोई एंट्री टेस्ट नहीं करवाते हैं, फिर वो 90% आपका सारा का सारा जो बर्डन है ना, वो आपके इंटर के रिजल्ट पे डाल देते हैं कि भाई इंटर के नंबर लो ना 90% और अपनी सीट ओके करवा लो हमारी यूनिवर्सिटी में विदाउट एनी एंट्री टेस्ट, ठीक है। लेकिन अगर कोई यूनिवर्सिटीज़ ये ऑफर करें ना कि हम 60% या 70% FSC प्री मेडिकल पर करवा लें, इसका मतलब जो रिमेनिंग परसेंटेजेज है ना, वो आपके लिए एंट्री टेस्ट है, वो अपना एंट्री टेस्ट खुद हेल्ड करवाएंगे अपनी ही यूनिवर्सिटी में कि बेटा एडमिशन करवाने से पहले आपको ये टेस्ट देना है, आप ये टेस्ट दो और हमारी यूनिवर्सिटी में आ जाओ, ठीक हो गया। ये 4-5 फील्ड्स मैंने बता दी हैं। इसके अलावा फिर भी अगर कोई फील्ड्स हो तो वो मैं आपके साथ लाजमी शेयर करूँगी, ठीक है। उसके अलावा आप खुद भी यार गूगल करो, इतनी फील्ड आ जाती हैं, आप लिखो, मतलब आप सर्च करो कि फील्ड्स आफ्टर MBBS या फिर फील्ड्स विदाउट MD कैट, ठीक है। ये दो फील्ड्स आप ये देखो, आपको सारे के सारे समझ लग जाएगी।
आई होप मैंने जिन जिन के इंस्टाग्राम पे क्वेश्चंस थे और जिन जिन के कमेंट सेक्शन में कोई क्वेश्चंस थे मैंने उनके आंसर्स दे दिए होंगे। अगर फिर भी आपको कुछ नहीं समझ लगा या आपको कुछ और पूछना हो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी मेंशन कर सकते हो। मैं इतने एटीट्यूड में नहीं रहती हूँ कि यार नहीं जी रिप्लाई नहीं करना, इनको तरस आना नहीं, ऐसा नहीं, मैं रिप्लाई कर देती हूँ। अगर मैं बिजी ना हूँ तो मैं आपको या अगले आधे घंटे में या 15 मिनट में मैसेज का रिप्लाई या इन कमेंट सेक्शन में मैं रिप्लाई कर देती हूँ, ठीक है। बाकी होप सो आपको समझ लग गई होगी, फील्ड्स का भी मैंने बता दिया। बाकी आप एक दफ़ा खुद भी एक्सप्लोर करो, आपको पता चले कि यार कौन कौन सी फील्ड जो हैं वो और भी अवेलेबल है। ये तो मैंने 4-5 बताई है ना बस, ठीक है। बाकी डू मस्ट लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। अल्लाह हाफिज़।